Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. असम में भारी बारिश अब और भी विकराल रूप ले चुकी है। इस बाढ़ के चलते पहले ही ब्रह्मपुत्र का स्तर खतरे से पार हो चुका था और अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि इस आपदा से 25 जिले प्रभावित हुए हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा बारिश के अनुमान के बाद फेरी सेवाओं को शुक्रवार को बंद कर दिया गया था। हम लोग का डेंजर लेवल का ऊपर में 1.15 चल रहा है। अभी पर घंटा में आपको 2-3 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है और पानी बढ़ने का और संभावना है। खतरा में निशान में ऊपर में बह रहा है और क्या ज्यादा बढ़ेगा तो और 2060 से जैसा हो जाएगा। अभी 50.83 लेवल चल रहा है। राहत के लिए लगभग 62 राहत शिविर लगाए गए हैं। असम राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 25 जिले, 2,217 गांव, 14,06,711 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो आज तो जो चांसेस है कि फैंसी बाजार डूब जाना और रास्ता में तो आने वाला है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना आगे बढ़ रहा है और सुबह तक कितना पानी नहीं था। Within 2-3 hours, जितना भर गया है, अगर इसे भरते जाएगा तो चांसेस बहुत है, डूबने का बहुत चांसेस है और रास्ता के तक तो आ ही जाएगा। अगर इसे बारिश जाते रहेगा तो पता ही चलेगा। आप लोग तो देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना पानी भर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये लाचित बोरफुकन वाला कितना नीचे था पहले, अभी कितना ऊंचाई तक गया है पानी। अगर इसे बारिश जाते रहेगा तो होगा ही होगा, फैंसी बाजार डूब सकता है, चांसेस बहुत है। ब्रह्मपुत्र की बढ़ती जल धाराओं ने अपनी चपेट में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को भी ले लिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पानी के सैलाब से काफी हद तक डूब चुका है जिसके कारण असम का यातायात संपर्क लगभग टूट गया है। बड़ी गाड़ियां जैसे तैसे इस सैलाब को पार करने में सक्षम हो पा रही हैं। बहुत सी गाड़ियां राष्ट्रीय राजमार्ग से वापस जाने के कारण आम जनता भी परेशान है। गन्ना से कड़ा है, सुबह से तो बढ़ रहा है, अभी बारिश भी हो रहा है तो जा पाएगा कि नहीं अभी तो कुछ पता नहीं है। गाड़ी जाएगा आपको लगा है? नहीं, मुश्किल है। हाँ अभी तो बारिश हो रहा है ना, पहले से सुबह से तो गन्ना से ज्यादा बढ़ रहा है अभी। इससे पहले असम में साल 2004 में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें 150 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।